इज योर होस्ट रितिक पंगाल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो भाई आज के व्लॉग में खुशियां ही खुशियां हैं, हमारी हेलो ठीक होती जा रही है, रिकवरी शो कर रही है वो, और हमारे थोरू का बर्थडे है भाई आज, और भाई उसके बच्चे भी आज 30 डेज के हो गए हैं, तो 8 तारीख को थोरू के बच्चे भी भाई 30 डेज के हो गए हैं, और बस विद इन 15 डेज और उसके बाद ये बच्चे अपने नई फैमिलीज में चले जाएंगे। अभी एक बच्चा अवेलेबल है, बहुत सुंदर और बहुत शानदार बच्चे हैं, आप कहते हो ना, तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। मैं तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा वीडियोस में, जितना प्रॉपर दिख नहीं पाता। ये हमारा क्या है, अब देखना आप लोग इनकी वॉइस क्वालिटी, मुझे तो मजा आ गया। मैं ना बाहर का एक चैनल, मैं ना इंस्टाग्राम पे एक बाहर के बंदे को फॉलो करता हूँ, बाहर मतलब बाहर इन द सेंस आउट ऑफ कंट्री, मतलब वो कुवैत के हैं, और भाई उनके पपीज की ना, मैं उनको क्यों होता है कि भाई वैसी क्वालिटी लेके आनी है, और भाई टच वुड अपने पपीज की ना वैसी क्वालिटी आने लग रही है, दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ दमदार चीज है, जिन्होंने हम पे भरोसा कर रहा था और पहले ही बुकिंग करती थी ना, वो इस बात को यूं कहेंगे कि भाई रचित भाई मजा आ गया है। अभी भी आप लोगों के पास मौका है, एक बच्चा अवेलेबल है अभी भी बुकिंग के लिए इन द सेंस कि हम उसको, हमने क्या करा है कि 45 डेज तक हम अपने पास ही रख रहे हैं बच्चे को, मदर का फीड, वैसे अब ना कोनी का फीड वो कम ले रहे हैं इन द सेंस क्योंकि दूध भी कम होने लग गया है, और कोनी भी इनको थोड़ा सा हटा देती क्योंकि इनके दांत भी आ गए और पंजे आ गए, मतलब पंजे इन द सेंस नाखून ज्यादा बड़े बड़े हो गए, बट दूध पी रहे, जितना पी सकते पीने देते हैं हम तो भाई, और साथ में इनका ऊपर का खाना भी शुरू हो गया अब तो। हाँ, सो अब प्लानिंग क्या कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, ये दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो अब करते हैं प्लानिंग, किसकी, थोरू का बर्थडे है भाई, तो उसकी प्लानिंग भी तो होगी। पूछते हो कि मैं थोर और हेला की और अपने जो दूसरे पपीज है इनकी हाइजीन के लिए कौन से ब्रांड यूज करता हूँ, तो मैं ये ब्रांड यूज करता हूँ पेटवेट, और आप सबको पता ही है मैं सबसे ज्यादा मतलब ट्रस्ट इन पे करता हूँ, पर आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट्स इनके यूज करता हूँ मैं। तो आज आपके लिए मैं वाइप्स लेके आया हूँ, जो मेन जो सबसे ज्यादा इशू होता था कि हम डॉग्स के जो टीथ होते थे ना, उनके लिए उनको साफ करने के लिए ब्रश वगैरह करते थे, सो वो ब्रश वगैरह ना डॉग्स इरिटेट हो जाते थे, सो उनके उसके लिए ना एक बहुत बढ़िया वाइप्स निकाली है, डेंटल वाइप्स निकाली है पेटवेट ने, सो ये हेल्प करती है इनका जो प्लाक होता है और टार्टर होता है उसको रिमूव करने के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज है ये, ऐसी वाइप होती है इसे निकालो और प्रॉपर थोर, जैसे थोर है कोई भी डॉग है अपने, उसके अपने टीथ को ऐसे वाइप कर दो, साफ कर दो, जिससे फायदा क्या होगा, एक तो ब्रश नहीं करना पड़ेगा, आपको ब्रश करते हैं ना तो इरिटेट हो जाता है, तो उससे प्रॉपर तरीके से वो प्लाक निकल जाएगा और साफ हो जाएंगे टीथ, और जो ब्रेथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा सही रहती है, मतलब कि फ्रेश ब्रेथ आती है, और मेंथोल है इसके अंदर तो अच्छे तो काम करेगा ही, ये ऑब्वियसली बात है। सो नेक्स्ट वाइप है हमारी ईच वाइप, सो ये देख सकते हो आप इस वाइप का क्या काम है भाई, जैसे कई बार ना क्या होता है कि अपने ये डॉग्स के ऊपर या कैट्स के ऊपर ये अपनी जो टिक्स वगैरह बैठ आ जाती है, या फिर कोई और मॉस्किटो वगैरह जाते हैं और वो उनको काट जाते हैं, तो वहाँ पे ना एक फुंसी सी हो जाती है, ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए ये वाइप्स है, ये बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे निकल जाती है, और इसको आप उस प्लेस पे रब कर दो जो मैंने आपको, जैसे कि आप देख ही रहे हो, अच्छी तरीके से वो साफ हो जाती है, ईचनेस और इरिटेशन उसको रिमूव कर देती है। ये पैराबीन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और अल्कोहल फ्री है, और ये प्रोडक्ट जो है वो आप कैट और डॉग्स दोनों पे यूज कर सकते हो। सो थर्ड वाइप है हमारी सैनिटाइजिंग एंड ग्रूमिंग वाइप, जो कि आप देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा यूजफुल मुझे तब लगती है, जैसे कि अपने पपीज है ये पूरा दिन पार्क में खेलते रहते हैं, इनमें मिट्टी वगैरह लग जाती है या फिर स्मेल आ जाती है, अब मिट्टी में खेलेंगे तो स्मेल भी हो ही जाती है, ऐसे निकालो और उस प्लेस पे आप उसको ना साफ कर दो, ताकि वो क्लीन भी हो जाए और मतलब वहां से स्मेल भी ना आए, ओडोर भी ना आए उसमें से, उस प्लेस मतलब कि डॉग या कैट के ऊपर जो फर होते हैं वहां से। तो इसके अंदर विटामिन B5 एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और ये अल्कोहल फ्री है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ये वाइप एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर वहां से एक बार बाय करो, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, तो जरूर एक बार ट्राई करो। तो भाई एक ही केक बचा हुआ है, मम्मी कह रही है ले लेते हैं, ऑप्शन ही नहीं था, थोर जैसे रंग का ही है तो ले लेते हैं, थोरी का केक ले लिया मम्मी और मैंने, और कल हमसे गलती होगी कि ना एक जो होता है ना जिसमें केक पे फोटो लगती है,
वो अब पूछने आए हम कि मतलब कि वो लग जाएगी, वो कहते नहीं मैम 2 घंटे पहले बताना पड़ता है, तो फिर इतना टाइम है नहीं, अब शॉप्स भी बंद हो जाएगी, है ना। जिस दिन मेरा जन्मदिन उस दिन थोर का कटा हुआ। हाँ, उस दिन मम्मी की जगह थोर का ही कटवाएंगे, और अभी जल्दी आने वाला है मम्मी का जन्मदिन भी, और अगला संडे। हाँ, और मम्मी के बर्थडे पे ना फार्म हाउस पे पार्टी करेंगे अपने। हाँ। ठीक है, और थोर की केक कटवाएंगे, क्योंकि हम हेला के उसमें वो थे ना, हेला और थोर की दोनों की फोटो लगा के। हाँ, दोनों की फोटो लगवा देंगे। भाई साहब मम्मी यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे फलूदा मिलते है सबसे ज्यादा, मतलब की मस्त और फुल फेमस है, तो मम्मी के लिए एक फलूदा आइसक्रीम ले गया हूँ। और मम्मी बैठे गाड़ी में, और मम्मी कहती, मैंने ऐसे ही कह दिया कि मम्मी मैं ना फलूदा खाया था आज, मोज लेके आया था फार्म पे फलूदा, कहती मैं भी खाऊंगी, तो फिर ये नहीं मोटू हमारी, अब इसको फलूदा भी खाने हैं, तो ये फलूदा खाएगी मेरी मम्मी, और अब पापा के लिए खाना लेके जाएंगे हम, पापा और मम्मी के लिए। मैं तो नहीं खाता, मैं डाइटिंग पर हूं। हैप्पी बर्थडे थोरू, हैप्पी बर्थडे मेबी टू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हेलो से मिलाऊं दोस्तों आपको? हेलो मेरी बेटी छोटू सी, हेलो मेरे बेटू, अभी रिकवरी हो रही है दोस्तों इसकी, मेरे बच्चों की रिकवरी हो रही है, आज हेला की केक कटवाएंगे, हेला और थोर के साथ में। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है मेरे बेटू, हेला मेरी बेटी, प्यारा बच्चा। हालांकि ग्रेवी और पानी मेंटेन हमेशा डला हुआ रहता है। सो भाई, मैंने कोनी से बात करी। कोनी बैलून्स लेके आए थोर के लिए। एक्चुअली कोनी का बेटा आ गया, एक बच्चा ये दूध पी के आ गया, पी के आ गया क्या दूध दूध। सो कोनी, तेरे से पूछ रहा हूँ, बता बैलून्स ले आए फिर थोर के लिए? ये हमारा शेर एक और खेलते रहते है भाई। तो भाई कोनू बता दे यार, बता दे, चल फिर ले आते हैं। सो भाई बात यही है, मैंने आदित्य, वैसे मैं सुबह सुबह गया था और ये लेने गया था, बट नहीं मिले क्योंकि दुकान बंद थी। देखो भाई, ये देखो, ये देख लो हमारे जान। तो भाई दुकान बंद थी, सो उस टाइम तो मिला नहीं, सुबह सुबह शॉप बंद थी, तो मैंने अभी आदित्य को भेजा था कि भाई तू ना बैलून्स लिया। तो दोस्तों थोर के लिए बैलून्स बुला रहे हैं, और कोनी को दिख गया, और कोनी पागल हो गई है, देख 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 देख, देखना पैर पर चोट चोट ना खा लियो भाई, बनाइयो वीडियो बनाइयो ऑन है, तो देखो कोनी हुई बलून के पीछे पागल। इसकी नागने की आवाज देख कैसे आ रही है, जैसे हील्स पहन रखी हो। चोट ना खा लियो भाई, पैर स्लिप हो रहे हैं इसके बहुत ज्यादा, बैलून एक फट गया। थोर कौन सा लेगा? थोर का ना सिस्टम अलग अलग रहता है, कभी तो ये पागल हो जाएगा बैलून के पीछे। ऊपर उड़ाओ, इसके ऊपर उड़ाओ, देखो ऊपर उड़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे, अब आएगा ना ये फील में, देख देख थोरू, देख थोरू, आओ इसकी तरफ करो, फेंको 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 थोरू, ये हुई ना बात। चलो भाई थोरू को दो एक और बैलून, थोर पकड़ ये रहा, ओ एक बार तो वैसे डिस्टेंस मेंटेन करो। नहीं, 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 नहीं। मार इसको, थोड़ी मार इसको।
आ हेलो आजा आजा मार इसको आजा आजा हेलो छोड़ देखे हेलो हेलो बेटू तेरे भाई का बर्थडे आजा चल चल तू यहाँ खड़ी हो जा बैलून रखो पहले थोड़े इसको एंजॉय तो करने दो देखिये सारी बात सुना है क्या करे हेलू का तो मुंह सुखला सा होया हुआ है इसने दवाई लगाई हुई है मुंह पे चलो भाई चलो अब थोर की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ये देखो भाई थोर भाई इसको गुब्बारे चाहिए गुब्बारे चलो भाई सारे आ जाओ केक उठाओ अब गेम खेल थोरो अभी तक ये डर रहा था हेलो तू स्ट्रेस निकाल ले फुटवाले अभी पता क्या हुआ अभी ये ले थोरी इसको कोई चाहिए फोड़ दिए ये लो एक रह गया इसको इसको ऊपर खुद आते हैं एक लास्ट रह गया ओ भाई ऊपर फेंक ऊपर हाँ अरे आ जा चल आ जा खत्म गुब्बारे गुब्बारे खत्म थोरू की जिंदगी देख केक किसने काटी खाएंगे हम पानी देखो भाई थोर के बर्थडे पार्टी के केक खा रहे हैं थोर नहीं पानी का दस्ते हैं थोर ने तो एक टच खाई थी मानू के काम तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना हेला और मम्मी और थोर का बर्थ मतलब वैसे मम्मी का बर्थडे आने वाला 15 को हेला का हम बना नहीं पाए थे तो इसलिए हम तीनों का एक साथ वापस बनाएंगे सो वो भी आएगा बाकी आज हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करी थी क्योंकि थोर का बर्थडे था भाई और घर में बहुत उदासी का माहौल होया हुआ था ताकि थोड़ा सा माहौल या मूड रिफ्रेश हो जाए इस वजह से हमने ये करा और हेला भी अभी रिकवरी कर रही है तो खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि यार वो अपना गूगल पे अपना पेडोवेस्टी के नाम से अपना मतलब गूगल पे आ चुका है फॉर्म सो उस पर रिव्यूज दे दो यार इसमें थोड़ा और कर दो ताकि आप 100 रिव्यूज कर दे उस पर क्रॉस ठीक है चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे ओके बाय बाय।